हम बात कर रहे हैं सेंट्रम कैपिटल लिमिटेड की। आज के दिन की बात करें तो छोटा मोटा अपसाइड फिलहाल स्टॉक में देखने के लिए मिल रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक जो है 38.15 रुपीज़ पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक में एक जंप आया 41 तक का, वहाँ से अगेन रिजेक्शन लिया और गिरावट आई। तो इस गिरावट के साथ नोटिस कर लो इस बात को कि स्टॉक ने अपने इस सपोर्ट को जहाँ से पहले सपोर्ट लिया था ब्रेक डाउन नहीं किया, ऑलमोस्ट सेम सपोर्ट से 35 के लेवल से बाउंस बैक कर रहा है। तो इस ब्रेकआउट के, इस हाई के यानी 41 के लेवल के ब्रेकआउट के चांस बनेंगे, लेकिन अभी फ्रेश बाइंग अगर करनी है तो हमको थोड़ा सा इंतज़ार करना ठीक रहेगा इसके ट्रेंड के कन्फर्मेशन के लिए। हालांकि बड़ी बाइंग स्टॉक दिखा रहा है 35 के लेवल से, उस अकॉर्डिंग उतनी बड़ी सेलिंग नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे सेफ एंट्री के लिए। गिरावट आती है तो 3680 इमीडिएट सपोर्ट है, ब्रेक डाउन कर गया तो मेजर सपोर्ट जो इसका लो है 35 का लेवल सबसे आखिरी सपोर्ट रहेगा। अब जंप आता है तो स्टॉक 40 तक का जंप दिखा सकता है, लेकिन ये मेजर रेजिस्टेंस है और इम्पोर्टेंट लेवल है सेंट्रम कैपिटल के लिए। इस लेवल को ब्रेकआउट करके सस्टेन होना इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों, सस्टेन होना इम्पोर्टेंट है, वरना ब्रेकआउट हमने देखा था लेकिन सस्टेन होते नहीं देखा। अगर एक से दो दिन भी सस्टेन हो गया 40 के ऊपर सेंट्रम कैपिटल, तो उसके बाद फिर इसमें लगातार तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। फिर नेक्स्ट टारगेट 42-40, इसको ब्रेकआउट कर गया तो 44 और फिर 50 तक का भी जंप सेंट्रम दिखा सकता है, लेकिन ट्रेंड के कन्फर्मेशन का इंतज़ार करेंगे। अगर 40 के लेवल को ब्रेकआउट करके सस्टेन हो गया तो इसी कंडीशन में फिर अप ट्रेंड दिखा सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।